दोस्तों, जून 2022 के महीने में जितने स्मार्टफोन लॉन्च होने की उम्मीद थी उतने नहीं हुए। दोस्तों, ऐसा भी कह सकते हैं कि जून का मंथ स्मार्टफोन के हिसाब से काफी ठंडा था। लेकिन दोस्तों, जुलाई के महीने में काफी फोन लॉन्च होने वाले हैं। जुलाई 2022 में कई ऐसे स्मार्टफोन आने वाले हैं जिनकी चर्चा काफी समय से चल रही है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कौन सा फोन किस प्राइस रेंज में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर 20,000 के प्राइस रेंज कौन सा स्मार्टफोन आने वाला है। मोटोरोला कंपनी अब लगभग हर महीने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। तो इस जुलाई मंथ में भी मोटोरोला मोटो G42 लॉन्च कर रहा है। तो यह एक 4G फोन होने वाला है। मोटो G42 में हमें 6.4 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट और 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ये सारे फीचर्स के साथ जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। यह एक बजट फोन 20,000 से कम होने वाला है। वीवो के तरफ से भी एक फोन लॉन्च होने वाला है जो है वीवो T1X। वीवो T1X हमें MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर के साथ देखने को मिल सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि हमें वीवो T1X MediaTek प्रोसेसर के साथ ही मिले। हो सकता है कि यह इंडिया में Snapdragon प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट लाते हैं आप ही लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 30,000 के अंडर में आने वाले स्मार्टफोन की। दोस्तों, प्राइस रेंज के अंडर हमें OnePlus Nord 2 थी जिसकी चर्चा काफी टाइम से हो रही थी। हो सकता है यह फोन हमें जुलाई के मिड और जुलाई के एंड में देखने को मिले। OnePlus के इस स्मार्टफोन में नया Dimensity 1300 चिपसेट आएगा। Nord 2T में 6.43 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 12GB तक की रैम और 256GB तक की स्टोरेज मिल सकती है। इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का सेंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी टाइमलाइन में जुलाई के मिड या एंड में दो और फोन लॉन्च होने वाले हैं, Realme GT Neo 3T और Oppo की तरफ से Oppo Reno 8 सीरीज। Oppo Reno 8 सीरीज चीन में लॉन्च हो चुकी है और ये 18 जुलाई को भारत में लॉन्च होने वाली है। इस सीरीज में 3 स्मार्टफोन हैं, लेकिन भारत में इनमें से शायद 2 ही लॉन्च किए जाएंगे। साथ ही रिपोर्टों की माने तो Oppo Reno 8 Pro चीन में Snapdragon 7 Gen 1 चिपसेट के साथ आया है, लेकिन भारत में ये स्मार्टफोन MediaTek 8100 चिपसेट के साथ आएगा। इसके अलावा बेस मॉडल में MediaTek 1300 चिपसेट है और हाई एंड वेरिएंट Reno 8 Pro जोड़ शायद भारत में देखने को ना मिले। इस सीरीज के सभी स्मार्टफोनों में 80W फास्ट चार्जिंग, 90 हर्ट्ज बेस मॉडल और 120Hz AMOLED डिस्प्ले, ट्रिपल रियर कैमरे और की बैटरी जैसे फीचर मौजूद हैं। इनमें आपको 12GB तक की रैम और 256GB तक की स्टोरेज के साथ कई स्टोरेज वेरिएंट मिलेंगे। इनमें बेस मॉडल Reno 8 की कीमत लगभग ₹30,000 से शुरू होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं Realme GT Neo 3T के बारे में। ये फोन Snapdragon 870 चिपसेट के साथ आने वाला है। Realme GT Neo 3T में 6.6 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरे और 256GB तक स्टोरेज जैसे फीचर मौजूद हैं। ये स्मार्टफोन जुलाई महीने भारत में लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन में भारत में 2 स्टोरेज वेरिएंट आएंगे जिनकी कीमत ₹30,000 से ₹35,000 के बीच होगी। दोस्तों, जुलाई के ही महीने में Redmi के 50i 5G के भी दर्शन हो सकते हैं। जी हाँ, इस स्मार्टफोन के साथ भारत में एक बार फिर कोई फोन Redmi के सीरीज में नजर आएगा। चांसेस हैं कि ये फोन चीन में लॉन्च हो चुके Redmi Note 11T Pro का रीब्रांडेड वर्जन होगा जिसमें MediaTek 8100 प्रोसेसर आएगा। Redmi के 50i 5G में 6.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट,
256 गीगाबाइट्स तक की रैम और की बैटरी 67 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं 40,000 के अंडर में आने वाले स्मार्टफोन की। दोस्तों जो फोन इस प्राइस रेंज में आने वाला है इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। नथिंग फोन 1 के बारे में दोस्तों इस फोन को लेके काफी हाइप है। ये फोन 12 जुलाई को लॉन्च होगा। ये नया फोन भी क्वालकॉम के नए चिपसेट स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 के साथ आएगा और इसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए तक हो सकती है। इस स्मार्टफोन के रियर पैनल पर लगी ग्लिफ लाइट नेक्स्ट लेवल दिख रहे हैं। इसमें 6.55 इंच फुल एचडी ओलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा सेटअप जैसे मुख्य फीचर देखने को मिलेंगे। Google Pixel 6a को लेकर भी अफवाहें हैं कि ये स्मार्टफोन 40,000 की रेंज में जुलाई 2022 में लॉन्च होगा। Pixel 6a स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल के दो कैमरे रियर पैनल पर मौजूद हैं। साथ ही इसमें टेंसर चिपसेट मौजूद है। Pixel 6a के फीचरों की बात करें तो ये स्मार्टफोन 6.1 इंच की FHD OLED HDR डिस्प्ले, 6 गीगाबाइट की रैम और 128 गीगाबाइट की स्टोरेज के साथ आएगा। फोन में की बैटरी, 18 वॉट की चार्जिंग और IP67 सर्टिफिकेशन भी मौजूद हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 50,000 के ऊपर आने वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन की। 50,000 के ऊपर हमें 4-6 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। OnePlus 10T के लीक और खबरें भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ये स्मार्टफोन 150 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगा और इसमें क्वालकॉम का लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 चिपसेट मौजूद होगा। इसके अलावा फोन में 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, ट्रिपल रियर सेंसर कैमरा के आने की खबरें हैं। जैसे कि स्पेसिफिकेशन से हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, तो इसकी कीमत भी 50,000 रुपए से ऊपर ही जाएगी। IQ90 लॉन्च होने वाला है दोस्तों, और यह भी 50,000 से ऊपर का फोन होने वाला है। ये फोन स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 चिपसेट के साथ आने वाला है। साथ में 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा फोन में 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, ट्रिपल रियर सेंसर भी मौजूद हैं। तो यह हमें मिड जुलाई में देखने को मिलेगा। दोस्तों मोटोरोला की तरफ से हमें मोटो एज 30 अल्ट्रा देखने को मिलेगा। तो यह 200 मेगापिक्सल के साथ आने वाला है। इसमें भी दोस्तों फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 देखने को मिलेगा। दोस्तों Xiaomi ने भी अपनी फ्लैगशिप सीरीज की घोषणा कर दी है। Xiaomi 4 जुलाई 2022 को Xiaomi 12S सीरीज में 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। इन स्मार्टफोनों में Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro और 12S Ultra शामिल होंगे। ये तीनों स्मार्टफोन Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ आएंगे और इनमें Leica के कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये तीनों फोन चीन में लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन भारत में भी इनमें से आप जल्दी ही कोई स्मार्टफोन देखेंगे। फाइनली दोस्तों बेस्ट गेमिंग फोन ऑफ द ईयर Asus की तरफ से आने वाला Asus ROG Phone 6। ROG Phone 6 दो वेरिएंट में आएगा, दूसरे को ROG Phone 6 Ultimate कहा जा रहा है। Asus ROG Phone 6 में पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने की उम्मीद है, जबकि बॉडी पैनल में सिग्नेचर ROG विजन डिस्प्ले है। इसमें 8 जेन 1 चिपसेट और आपको इस साल 1 TB इंटरनल स्टोरेज के साथ 18 GB रैम तक का फोन मिल सकता है। Asus बेहतर परफॉर्मेंस के लिए फोन के कूलिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, जबकि बड़ी क्षमता वाली बैटरी आपको 65 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे सकती है। Asus ROG Phone 6 सीरीज 5 जुलाई को लॉन्च हो रही है। तो यही थे मेन फोन जो कि जुलाई में लॉन्च होने वाले हैं। हमें दूसरे ब्रांड की तरफ से भी फोन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों स्मार्टफोन के नजरिए से जुलाई मंथ इज गोइंग टू बी सीरियसली बिजी। दोस्तों आपको किस फोन का बेसब्री से इंतजार है और आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइएगा।
दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।